खरे थे जे चार दांत तो ये ना रे माझ्याकडे ये तोडू शकत नाही ना याच्या बाहेर कसं काय चालू पिछले चार से पांच दिन में नासिक के आजू बाजू में काफी सारे लेपर्ड दिख रहे हैं। उसमें से हमने लगभग चार लेपर्ड को रेस्क्यू किया हुआ है। कल ही रात को वड़ा रोड जो है द्वारका एरिया के पास, तो वहां से हमने एक मेल फुल ग्रोन लेपर्ड था जिसकी उम्र लगभग 5 साल थी, उसको हमने कल रेस्क्यू किया है। लगभग 2 से 2500 के ऊपर पब्लिक की भीड़ थी, फिर भी लेपर्ड अपनी जगह पे शांत बैठा हुआ था। इतनी भीड़ में भी उसने कल किसी पे भी अटैक नहीं किया और कोई इंजर्ड भी नहीं हुआ है कल के इसमें। कल का जो रेस्क्यू था वो सबसे अच्छा और सेफ रेस्क्यू था। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किए थे जो कि उनकी वजह से लेपर्ड काफ़ी पैनिक हो गया था। फिर भी वो एक जगह पे छुपा हुआ था, लोगों ने काफ़ी सारा हल्ला मचाया था और रेस्क्यू टीम को काफ़ी सारी उसकी वजह से दिक्कतें आ रही थी। तो इतना सभी होने के बाद भी पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प से और रेस्क्यू टीम नासिक और इकोइको फाउंडेशन की हेल्प से हमने लेपर्ड को विदाउट इंजुरी हमने रेस्क्यू कर लिया है। सर ऐसी क्या वजह है कि नासिक में दिन ब दिन तेंदुओं की तादाद बढ़ती जा रही है, जो सिटी के करीब आ रहे लोगों के साथ रहना ये कर रहे, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप एक प्रकार से? नासिक में वैसे देखने जाओ तो क्लाइमेटिकल कंडीशन काफ़ी अच्छी है। नियर सिटी के नियर शुगर केन का प्रीमाइसिस काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पे इजी फूड उसको अवेलेबल हो जाता है। और अभी लेपर्ड जो है वो ह्यूमन एरिया के आसपास सेटल हो चुका है, पर उनसे हमें कुछ भी तकलीफ नहीं है। अभी अगर नासिक डिवीजन की बात की जाए तो कम से कम 500 एंड अबो लेपर्ड नासिक के एरिया में है, पर काफ़ी रेयर कंडीशन में एक्सीडेंटल अटैक हुए हैं। ऐसे जानबूझ के किए गए लेपर्ड द्वारा अटैक ऐसे बहुत ही कम है, 1-2 के बराबर हो गए, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं है। पर अभी इंसानों ने भी आदत डाल लेनी चाहिए कि लेपर्ड के साथ में हमें रहना है, वो हमें कुछ तकलीफ नहीं दे रहे हैं, तो उनके साथ जो भी अपना सहजीवन है वो बिताना चाहिए।